नासिक में ये फर्स्ट टाइम आया है यहाँ पे। मटका चटका का जो मटका मटन है, हमने लॉन्चिंग करने का रीज़न ये था कि ये टोटल डिफरेंट वैरायटीज़ है अभी, और फर्स्ट टाइम हमने ये चीज़ नासिक में लाया है। और ये जो प्रकार है, इसका जो बनाने का तरीका है वो टोटली डिफरेंट है। मिट्टी के खुशबू से और भी टेस्ट जो है उसका बढ़ जाता है। मटका मिट्टी के रहने के कारण इसका जो टेस्ट फ्लेवर है वो बहुत अच्छा हो जाता है, जिसके वजह से अपने को मटन का जो पीसेस है वो बहुत अच्छी तरीके से मेल्ट होता है, माउल होता है। नासिक में पहली बार मटके में मटन मिल रहा है, वो भी बढ़िया सा क्वालिटी में। तो अभी मैं हूँ मटका चटका जो कि पाथरडी फाटा नासिक में। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ मटका चटका का मटका मटन रेसिपी कैसे हम लोग बनाते हैं। आइए देखिए, ये प्याज है, कटा हुआ प्याज। अभी ये हमने एक मटके के हिसाब से हमने बनाया है इस प्याज को। तेजपान डालते हैं, ये दो तीन पीस तेजपान डाले। लाल मिर्च जो है 3-4 इसमें डाल दिया। और ये हमारा मेन है कि लहसुन जो है वो पूरा अक्खा लहसुन हम लोग इसमें डाला जाता है। इस रेसिपी में ये सबसे मेन थिंग है। अदरक लहसुन का पेस्ट, अदरक लहसुन का पेस्ट डाला हमने। हल्दी एक 1/2 टीस्पून, मिर्ची पाउडर है ये। उसके बाद ये है जीरा पाउडर, जीरे, ये काली मिर्च पाउडर है, धनिया पाउडर, ये कश्मीरी लाल मिर्च है, कश्मीरी लाल मिर्च मैंने डाल दिया। ये हमारा गरम मसाला है, ये हमने गरम मसाला इसको पीस के बनाया है। उसके बाद ये हमारा मीट मसाला है, ये सब जगह कॉमन रहता है मीट मसाला है, हमने मीट मसाला डाल दिया। अब इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे सभी चीज़ों को खूब अच्छे तरीके से। मैरिनेशन बहुत अच्छे तरीके से होनी चाहिए। अभी मटन डालने हैं, ये हमारे मटन है। तो एक मटके में कितना जाता है मटन? एक मटके में 20 पीस मटन हमारा रहता है। ओके, तो उसकी क्वांटिटी मतलब कितने रहेगी? 700 ग्राम मटन रहते हैं। ये मटन को फिर मैं अभी मैरिनेट प्याज के साथ मिक्स कर लेना। अभी इसमें नमक नहीं मिलाना है, इसको मैं 1.5 आवर मैरिनेशन के लिए डालूंगा। हमने जो मैरिनेट किया था वो अभी हो चुका है, 1.5-2 घंटे हो गए थे। हाथ से मिला लिया, ऑयल को अच्छे से पूरा मिक्स करना है। एक मटकी का ये आटे का डो बना लिया। डो बनाने के बाद इसको मुझे लॉक करनी है, सील्ड करनी है। ये अच्छे से सील्ड होनी चाहिए ताकि मटन हमारा अच्छे से पक सके। ये मटका अभी मैंने कोयले के ऊपर रखनी है, कम से कम 1.5-2 घंटा इसको कोयले पे रखना रहता है। तो अभी ये पकना शुरू हो चुका है। तो अभी ये मटन पक चुका है, तो मटन पक चुका है देख सकते हो अभी आप। ये चम्मच से कट रहा है, एकदम बढ़िया है। तो अभी मैं हूँ मटका चटका जो कि है पाथरडी फाटा नासिक में। तो ये है उनकी मटका मटन स्पेशल थाली, मटका मटन, यह आएगा लिट्टी, यह आएगा राइस, यह आएगा चपाती, यह आएगा कचौरी, प्याज, नींबू। तो पहले आपको मैं मटन दिखा देता हूँ। ये है मटन, ये देख सकते हो। पहली बात तो है ना, मटन पूरा पका हुआ है, मटके की जो टेस्ट है वो इसमें आ रही है। और सबसे अलग बात क्या बताएं, ये है पूरा उसका लहसुन, लहसुन पूरा का पूरा इसमें पका है, तो इसकी जो खुशबू है वो भी इसमें आ रही है मसालों की। तो ये रिकमेंड करूँगा थाली, आप आइए मटका चटका पाथरडी फाटा नासिक।